अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी कैंसर पेशेंट के एक कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये कैंसर ट्रीटमेंट से पहले भी हो सकता है और ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट भी कॉमनली देखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कैंसर के पेशेंट में खून की कमी क्यों होती है और इसको कैसे ट्रीट किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स, एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम जिससे कैंसर देखा भी जाता है, पकड़ा भी जाता है, और जो ऑन ट्रीटमेंट कैंसर पेशेंट भी फेस करते हैं, वो है लो हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी। और पेशेंट कई बार सरप्राइज होते हैं, वो देखते हैं कि भाई सर, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, मेरा ट्रीटमेंट तो अच्छा चल रहा है, मेरी बीमारी कंट्रोल में, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, इसका हम क्या करें। और इनफैक्ट कुछ पेशेंट ये भी सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कैंसर के रिस्पॉन्स से लिंक्ड है। पेशेंट को लगता है कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो मेरा कैंसर अच्छा कंट्रोल है, मेरा हीमोग्लोबिन फॉल हो रहा है तो मेरा कैंसर कंट्रोल नहीं है। तो इससे रिलेटेड सारे मिथ्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे और हम कैंसर पेशेंट को फुल गाइडेंस देंगे कि खून की कमी कैंसर में क्यों होती है, उसको डॉक्टर कैसे टेस्ट करता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इस जानकारी के बारे में आज के वीडियो से ध्यान से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैंसर में हीमोग्लोबिन लो होने के कारण यानी कॉज क्या है। तो फ्रेंड्स, कैंसर में हीमोग्लोबिन लो होने के मल्टीपल कारण हैं और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग कारण एक्टिवेट होता है, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट करें कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन क्यों कम है। तो सारे कॉजेज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर वन, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड लॉस या ब्लीडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को पेट का कैंसर होता है तो ब्लड धीरे धीरे पेट से रिस के टट्टी में निकल जाता है। सिमिलरली, किसी को बड़ी आंत का कैंसर यानी कॉलन कैंसर, उससे भी यही प्रॉब्लम होती है कि कैंसर ब्लीड करता है, धीरे धीरे टट्टी में ब्लड निकल जाता है। सिमिलरली, जिन पेशेंट को किडनी का कैंसर या ब्लैडर का कैंसर है, उनमें धीरे धीरे किडनी या ब्लैडर से ब्लड रिस के पेशाब में निकल जाता है। जिन पेशेंट को लिवर का कैंसर है, उसमें लिवर में नसें फूल जाती है, जो ब्लड लीक करती है, धीरे धीरे वो स्टूल से ब्लड जाता है। तो मल्टीपल ऐसे ट्यूमर में जिनमें धीरे धीरे पेशेंट का ब्लड लॉस होता है, उनमें ब्लड के लॉस से हीमोग्लोबिन लो हो सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा, कुछ कैंसर होते हैं, स्पेशली ब्लड कैंसर, जो बोन मैरो में घुस जाते हैं। तो बॉडी में ब्लड हड्डियों के अंदर बनता है और इस एरिया को हम बोन मैरो बोलते हैं, और यदि कैंसर सेल बोन मैरो के अंदर घुसे हुए हैं तो नॉर्मल ब्लड को ब्लड बनाने की जगह नहीं मिलती और इसको बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये सबसे कॉमन होता है ब्लड कैंसर के अंदर, परंतु कुछ कैंसर भी है जो कॉमनली सॉलिड ट्यूमर भी बोन मैरो में घुस जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो कभी कभी बोन मैरो में कैंसर सेल के घुसने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। नंबर थ्री, न्यूट्रिशनल। तो कई बार कैंसर पेशेंट में क्या होता है, नेचुरल न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी, जो कि रॉ मटेरियल है जिससे हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल बनाती है। तो कैंसर में हो सकता है कि पेशेंट को नेचुरली कमी हो, फॉर एग्जांपल पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई है, इससे धीरे धीरे बॉडी में आयरन का लॉस हो गया है, या सेल्स का टर्नओवर फास्ट है, जो कैंसर सेल बॉडी में डिवाइड कर रहे हैं वो बॉडी का नेचुरल आयरन और B12 और फॉलिक एसिड अपने ग्रोथ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं और खा रहे हैं, और रेड ब्लड सेल के ग्रोथ के लिए वो बचा नहीं है। तो विटामिन डेफिशिएंसी इज दी थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन और अनीमिया इन कैंसर। नंबर फोर होता है हार्मोन प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, कैंसर का सेल बॉडी में कहीं पे भी हो, वो ब्लड में कुछ स्पेशल हार्मोन छोड़ता है जिसको हम साइटोकाइन बोलते हैं, और ये साइटोकाइन का बेसिक फंक्शन ये होता है कि बॉडी को एक हाई स्ट्रेस सर्वाइवल स्टेट में डाल देती है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी के रिसोर्सेस डाइवर्ट हो जाते हैं, जो सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लड बनाना एंड अदर फंक्शंस। तो इन साइटोकाइन्स का नेट रिजल्ट ये होता है कि कैंसर सेल का ग्रोथ प्रमोट होता है, और जो नॉर्मल बोन मैरो का फंक्शन है, इसमें हीमोग्लोबिन बनना होता है, वो नॉर्मल बोन मैरो का फंक्शन सप्रेस हो जाता है। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशनल मटेरियल और एडिक्वेट बोन मैरो होने के बाद भी कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, और इस प्रॉब्लम को ACD यानी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, जिसका ट्रीटमेंट हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली, कुछ ट्रीटमेंट्स होती है, खासकर कीमोथेरेपी जैसी नाम की जो ट्रीटमेंट होती है, वो ये होती है कि बॉडी में जो भी सेल्स फास्ट डिवाइड कर रहे होते हैं, उन सेल्स के डिवीजन को स्टॉप करती है, जिससे कैंसर सेल्स की डेथ होती है। पर बॉडी में डिवाइडिंग सेल में से एक बोन मैरो सेल भी है, जो डिवाइड करके नए रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो जब कैंसर सेल का ग्रोथ को सप्रेस किया जाता है, तो साथ में बोन मैरो का ग्रोथ भी सप्रेस हो जाता है, इसका नेट रिजल्ट होता है या फॉल इन हीमोग्लोबिन। तो इन वेरियस कॉजेज के टुगेदर इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत कॉमनली कैंसर पेशेंट में देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन का लॉस या हीमोग्लोबिन का फॉल होता है, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कैंसर पेशेंट में। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कि अप्रोच टू अनीमिया एंड कैंसर क्या होता है, यानी यदि कोई कैंसर डॉक्टर यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देखता है कि पेशेंट को कैंसर और उसको अनीमिया है,
तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा कोई कैंसर पेशेंट है, वो मेरी ओपीडी में फॉलो कर रहा है और वो अनीमिया की प्रॉब्लम यानी हेमोग्लोबिन की कमी लेके आता है, तो सबसे पहला स्टेप जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को देखना होता है वो ये होता है कि ही नीड टू फिगर आउट कि लो अनीमिया यानी लो हेमोग्लोबिन का कॉज क्या है। लो हेमोग्लोबिन कुड बी बिकॉज ऑफ कैंसर, जो मैंने चार पांच चीज़ें पहले बताई जो कैंसर अनीमिया कॉज करता है उसकी वजह से होता है, या अनरिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी आदमी को सिकल सेल अनीमिया है जो इंडिया में कॉमन है, और सिकल सेल ट्रेट या थैलेसीमिया ट्रेट हमारी कंट्री में कई बार देखा जाता है, तो उसका नेचुरली हेमोग्लोबिन लो होगा। या किसी आदमी को आयरन डिफिशियंसी है जो कैंसर के अलावा पहले से ही है, तो ऑब्वियसली उसका हेमोग्लोबिन लो होएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर को फिगर आउट करना है कि एक्चुअली रूट कॉज ऑफ एनीमिया क्या है, और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना है। तो टिपिकली डॉक्टर सबसे पहले 3-4 टेस्ट करता है देखने के लिए कि एनीमिया का कॉज क्या है। नंबर वन, डॉक्टर एक टेस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल स्मियर। पेरिफेरल स्मियर में क्या करते हैं कि जो आदमी का ब्लड सैंपल है उसको एक कांच के स्लाइड में फैलाया जाता है, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि RBC जो हेमोग्लोबिन वाले सेल होते हैं उनका साइज़ क्या है, उनकी मेच्योरिटी लेवल क्या है, और वो कैसे दिखते हैं। तो यूजली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू देता है कि अनीमिया का अंडरलाइन कॉज क्या है, और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्कअप है। उसके अलावा आदमी के न्यूट्रिशनल स्टेटस का चेक किया जाता है, जैसे मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स का लेवल चेक करते हैं। एक होता है विटामिन B12 जो खून को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, एक होता है फॉलिक एसिड अगेन जो खून को बनाने वाला एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, और एक होता है आयरन जिसके लिए एक स्पेशल टेस्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सीरम फेरेटिन, जो कि आयरन स्टोर्स का टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है जो पेशेंट को समझनी है और डॉक्टर को भी समझनी है, वो ये है कि ब्लड में आयरन लेवल यानी सीरम आयरन नाम का एक टेस्ट भी होता है जो कि कैंसर पेशेंट में किया जा सकता है। और कई बार पेशेंट क्या करते हैं, अपना सीरम आयरन टेस्ट करते हैं और वो सीरम आयरन लो होता है, और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि सर मेरा सीरम आयरन लो है तो मेरे को आयरन डिफिशियंसी है, मुझे आयरन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दो। पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यदि सीरम आयरन लो है इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी है, हो सकता है कि पेशेंट में बॉडी में आयरन एक्सेस हो पर ब्लड में सीरम आयरन लेवल लो हो, इसलिए जो कॉमनली हम टेस्ट कराते हैं उसको सीरम फेरेटिन बोलते हैं, ना कि सीरम आयरन। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। बॉडी में जो भी आयरन है बॉडी का, उसके दो फॉर्म होते हैं। एक है स्टोरेज फॉर्म यानी गोदाम में बॉडी ने जो आयरन स्टोर कर रखा है फ्यूचर यूज़ के लिए, और एक है सर्कुलेटिंग फॉर्म यानी गोदाम से जो निकाल के ब्लड में बॉडी ने आयरन छोड़ रखा है, जो कि वेरियस सेल चाहे वो कैंसर सेल हो चाहे वो ब्लड सेल हो चाहे कोई भी सेल हो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो कॉमनली कैंसर में क्या होता है, कैंसर के हार्मोन यानी साइटोकाइन के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि बॉडी के पास आयरन सफिशिएंट होता है, पर उस सारा आयरन उस बॉडी ने अपने गोदाम में स्टोर कर रखा है और फेरेटिन फॉर्म में स्टोर कर रखा है, जबकि ब्लड में सर्कुलेटिंग आयरन का लेवल कम है, और यही अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज का स्पेशल फीचर है। तो ऐसे में जब हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं तो आता है कि सीरम आयरन तो लो आता है, पर यदि हम सीरम फेरेटिन करें जो आयरन स्टोर का होता है वो हो सकता है कि नॉर्मल से 100 गुना ज़्यादा हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी का आयरन लेवल एडिक्वेट है या नहीं है, इसके लिए जो डॉक्टर को टेस्ट करना है वो सीरम आयरन नहीं बल्कि सीरम फेरेटिन नाम का टेस्ट है, जो देखता है कि बॉडी में आयरन का स्टोर एडिक्वेट है या नहीं है। सीरम आयरन टेस्ट भी किया जा सकता है, बट उसका इंटरप्रिटेशन सीरम फेरेटिन के साथ ही करते हैं, सिर्फ सीरम आयरन के बेसिस पर आयरन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं। सीरम B12 और फॉलिक एसिड ब्लड में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का टेस्ट है, जो हमें गाइड करते हैं कि ब्लड में इन विटामिन का लेवल क्या है। फाइनली इन 4 टेस्ट की मदद से डॉक्टर एक जजमेंट करता है कि पेशेंट को अनीमिया क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर अनीमिया, हेमोग्लोबिन लो क्यों है, चाहे वो ब्लड लॉस की वजह से हो, चाहे वो मैरो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल कॉज हो, चाहे वो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज यानी कैंसर सेल के हॉर्मोन्स की वजह से हो, वट एवर द कॉज, डॉक्टर मेक्स अ जजमेंट कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अनीमिया, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, यदि पेशेंट को कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मान लो आयरन डिफिशियंसी है, तो पेशेंट को या तो हम ओरल फॉर्म में आयरन दे सकते हैं या इंट्रावेनस या IV फॉर्म में आयरन दे सकते हैं। तो टिपिकली IV आयरन को हम बेटर मानते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी आयरन डिफिशियंसी है उसको एक शॉट में नस से आयरन चढ़ा के पूरा किया जा सकता है। पर यदि पेशेंट IV आयरन का इंजेक्शन नहीं चाहता तो ओरल आयरन से भी डिफिशियंसी को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। सिमिलरली विटामिन B12 या फॉलिक एसिड टिपिकली एक टैबलेट के रूप में बॉडी को पूरा किया जाता है, और विटामिन B12 के डिफिशियंसी के लिए विटामिन B12 के इंजेक्शन होते हैं जो टिपिकली पेशेंट को दिए जाते हैं। हालांकि विटामिन B12 का कैप्सूल भी आता है, इंजेक्शन को हम ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं और इससे क्विकली पेशेंट के विटामिन लेवल्स को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा यदि पेशेंट को कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है
तो उसके लिए डॉक्टर को इंटरवीन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि पेशेंट के आंत में कोई बड़ा ट्यूमर है जो ब्लीड करके ब्लड लॉस कॉज कर रहा है, तो दूरबीन से अंदर जाके उस ब्लड लॉस को स्टॉप किया जा सकता है, या सर्जरी से उस ट्यूमर को निकाला जा सकता है, या दवाइयों से उस ट्यूमर को ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी कम से कम ब्लीडिंग बंद हो, या रेडियोथेरेपी यानी सिकाई से उस ब्लीडिंग को होल्ड कराया जा सकता है। तो वेरियस इंटरवेंशन से यदि बॉडी में कोई ब्लीडिंग पॉइंट है तो उस ब्लीडिंग पॉइंट को स्टॉप किया जा सकता है। थर्डली यदि कोई कैंसर सेल हार्मोन छोड़ के हेमोग्लोबिन की कमी कॉज कर रहा है तो उस कैंसर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यदि किसी की सर्जरी होनी है तो उसको सर्जरी होनी चाहिए, यदि किसी की सिस्टमिक थेरेपी यानी इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी होनी है तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब कैंसर सेल उस ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैंसर सेल के हार्मोन जो निकल रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद यूजुअली धीरे धीरे हेमोग्लोबिन पिकअप होकर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। यदि पेशेंट को थेरेपी की वजह से एनीमिया है तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइनली यदि पेशेंट का कोई ऐसा फर्दर रिवर्सिबल कॉज नहीं है जिसको हम इंटरवीन करके रिवर्स कर सके, तो कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिमाटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, जिनका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये कुछ सिग्नल होते हैं जो बोन मैरो के अंदर जाते हैं और बोन मैरो को सिग्नल देते हैं कि आप डिवाइड करो और रेड ब्लड सेल बनाओ। तो इनको हम बोलते हैं हिमाटिनिक ग्रोथ फैक्टर्स। और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, एक को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन या EPO, जो कि एक हल्का इंजेक्शन होता है जिसको हम वीकली या ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली देते हैं, और एक को हम बोलते हैं डार्बापोएटिन जो कि एक स्ट्रॉन्गर इंजेक्शन है, इसको वंस अ वीक, थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक दिया जाता है, जो कि एक सिंगल डोज से एक स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस देके हेमोग्लोबिन को पिकअप करने में हेल्प करता है। तो इन इंजेक्शन में मेन डिफरेंस कॉस्ट का होता है। एरिथ्रोपोएटिन एक सस्ता इंजेक्शन होता है जैसे पेशेंट को मल्टीपल इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं पर ईच इंजेक्शन का कॉस्ट कम होता है, जबकि डार्बापोएटिन एक कॉस्टली इंजेक्शन होता है जो शायद पेशेंट को कम फ्रीक्वेंटली, मान लो 3 हफ्ते या महीने में एक बार लगाना पड़े, पर इसका कॉस्ट ज़्यादा है और वन टाइम एक्सपेंस ज़्यादा है। और दोनों इंजेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट सेम है, ये बॉडी में जाते हैं और बोन मैरो को सिग्नल देते हैं कि आप ग्रो करो और रेड ब्लड सेल्स को सर्कुलेशन में छोड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंजेक्शन देने से पहले बॉडी का आयरन रिजर्व, विटामिन रिजर्व नॉर्मल होना चाहिए। यदि पेशेंट के ऑलरेडी खून में आयरन की कमी है तो आप कितने इंजेक्शन दे दो हेमोग्लोबिन यूजुअली नहीं बढ़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस इंजेक्शन को देने के साथ साथ बॉडी का आयरन और विटामिन का लेवल चेक होना चाहिए ताकि इन चीज़ों का सप्लीमेंट करके इस इंजेक्शन का प्रॉपर फायदा पाया जा सके। नंबर टू, इन इंजेक्शन को हर पेशेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, और टिपिकली जब पेशेंट का हेमोग्लोबिन 10 के नीचे होता है तभी हम ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रीज़न ये है कि यदि ऑलरेडी ब्लड में हेमोग्लोबिन का लेवल एडिक्वेट है तो इंजेक्शन को देने का रिस्क हो सकता है और बॉडी में ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस हो सकते हैं जो डेंजरस हो सकते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोपोएटिन और डार्बापोएटिन जैसे इंजेक्शन हम यूजली तभी देते हैं जब हेमोग्लोबिन का लेवल 10 के नीचे फॉल होता है, और जब हेमोग्लोबिन का लेवल पिकअप होकर वापस 10 के ऊपर हो जाता है यूजली हम इंजेक्शन को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो फ्रेंड्स कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारा गोल ये होता है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम से कम दिया जाए। रीज़न ये है कि ये एक कम्बरसम प्रोसीजर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड फॉरेन सब्सटेंस को बॉडी में देना पड़ता है, और इन जनरल इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट एंड देयर फैमिली। तो हमारा यूजुअली गोल यही होता है कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट से, साइड इफेक्ट मैनेजमेंट से और इंजेक्शन के वाया हेमोग्लोबिन लेवल को एडिक्वेट रखा जाए ताकि हेमोग्लोबिन पेशेंट का मेंटेन रहे। बट इन सारे एफर्ट्स के बावजूद कभी कभी पेशेंट का हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हेमोग्लोबिन 6 रह जाए या 5.5 रह जाए तो यूजली इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट को 1 से 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है। ईच यूनिट ऑफ ब्लड टिपिकली पेशेंट का हेमोग्लोबिन 1 से 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ा देता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि पेशेंट का हेमोग्लोबिन 6.5 है तो टिपिकली 1 या 2 यूनिट में पेशेंट का हेमोग्लोबिन आपका 8 या 9 तक पहुँच जाएगा और उसके आगे हम मेंटेन कर सकते हैं दवाइयों से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ ही कैंसर पेशेंट को होती है, परंतु जिन कैंसर पेशेंट में होती है यूजली उनको इसकी स्ट्रिक्ट ज़रूरत होती है। स्पेशली हम रेकमेंड करते हैं कि यदि पेशेंट का हेमोग्लोबिन 7 के नीचे है तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि जल्द से जल्द अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लें ताकि हेमोग्लोबिन पिकअप होकर वापस 7 के ऊपर हो जाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कैंसर में लो हेमोग्लोबिन या एनीमिया मैनेजमेंट के बारे में आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये बिल्कुल बेसिक और ले पर्सन टाइप ऑफ वीडियो है, इसमें बहुत सारी फाइनर डिटेल्स है, इसमें मैं नहीं गया हूँ, बट ग्रॉसली दिस इज द राइट वे टू मैनेज एनीमिया ड्यूरिंग कैंसर, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो।
यदि वीडियो में डिस्कस इन्फॉर्मेशन के अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से वीडियो कमेंट से अपना सवाल आप मुझ तक पूछ भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी मिले। हमारे चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया के कैंसर पेशेंट्स को वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अपनी कंट्री में अपनी भाषा में मिले, और इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे बड़ी जल्द मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।